से हमको सेंटर के लिए भी और माफिया के लिए भी पैसा व्यवस्था करना पड़ेगा। और बिहार में जो प्रतिभावान लड़के हैं वो छूट जाएगा और पैसा वाला उसमें भर्ती हो जाएगा। बिहार में जो पढ़ने वाले लड़के हैं, गरीब लड़के हैं, मेधावी लड़के हैं, क्या वो टीचर नहीं बने? क्योंकि पैसे का खेल है, क्वेश्चन पहले आउट हो जाता है, सेंटर बिक जाता है। कोचिंग अपने तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है और पदाधिकारी, और ये दोनों की मिली भगत हालमेल है। क्या इसमें माफियाओं के साथ भागीदारी और साझेदारी है पदाधिकारियों? सरकार हमारे बिहार की बात सुने, इसके लिए हम हर जिले में धरना दें। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, जाट सुप्रीमो पप्पू यादव शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आ चुके हैं। 5 तारीख को शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर दिखेंगे, धरना भी देंगे, सड़क पर भी उतरेंगे। डोमिसाइल के बारे में बात करें और साफ कहे हैं कि क्या गरीब के बच्चे जिनके पास ज्यादा ज्ञान है वो कभी शिक्षक नहीं बन सकते हैं? तो देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, आप पहले वो सुनिए। तय कर लिया कि सीटीएट और बीटीएट के आधार पर हाईकोर्ट में भी हमने दे दी और नियुक्ति पत्र बांटने की बारी आई। ऐसी कौन सी नौबत आई कि जब नियुक्ति पत्र 10 दिन 20 दिन के बाद बांटनी थी? कौन सा ऐसा सरकमस्टांसेस आया और कौन इसके पीछे हैं? एक बार तो पहले आप सीटीएट और बीटीएट के तहत ये पदाधिकारी लोग पैसा वसूल चुके हैं, लगभग लोगों से पैसा वसूल करके इनकी ज़िंदगी हरास कर दिया। दूसरे तरफ आप जो 4 लाख टीचर हैं उनके सम्मान के साथ भी आपने समझौता नहीं किया और उनको भी आपने रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए कह दिया, तब आप वेतनमान होइएगा। और 20 साल पढ़ाई छूट जाने के बाद आप किसी का एग्ज़ाम लीजिए और क्वेश्चन अपने तरीके से और सेंटर अपने तरीके से करिएगा और रिटर्न बीपीएससी एग्जामिनेशन के तहत लीजिएगा, तो फिर से हमको सेंटर के लिए भी और माफिया के लिए भी पैसा व्यवस्था करना पड़ेगा। और बिहार में जो प्रतिभावान लड़के हैं वो छूट जाएगा और पैसा वाला उसमें भर्ती हो जाएगा। तो क्या बिहार में जो पढ़ने वाले लड़के हैं, गरीब लड़के हैं, मेधावी लड़के हैं, क्या वो टीचर नहीं बने? आप, मैं बीपीएससी के रिटर्न एग्जामिनेशन के पक्ष में हूँ, लेकिन बीटीएट और सीटीएट के इस समय जब आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो वो वक्त एग्जामिनेशन का नहीं था। या तो आप 2 साल पहले यह निर्णय लेते या इस नियुक्ति पत्र के बाद आप निर्णय लेते कि अब कोई भी बहाली बीपीएससी के रिटर्न एग्जामिनेशन के बगैर नहीं होगा, तो निश्चित रूप से यह आने वाले प्रतिभावान लड़के को एक रेस्पेक्ट मिलता। लेकिन बिहार में तो उसको मिलना नहीं है इस देश में, क्योंकि पैसे का खेल है, क्वेश्चन पहले आउट हो जाता है, सेंटर बिक जाता है और क्वेश्चनर करने वाला पदाधिकारी और एजुकेशन माफिया होते हैं। ये दोनों तय करता है कि क्वेश्चन हमें क्या देना और इस क्वेश्चन को पहले से हमें किस सेंटर को, किस कोचिंग को बता देना है। तो कोचिंग अपने तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है और पदाधिकारी, और ये दोनों की मिली भगत हो, दोनों इसमें पैसे का गंदा खेल खेलते हैं। मेरा इसमें सबसे बड़ा इस बात को लेकर के आग्रह है नीतीश जी से और इस सरकार से, नीतीश जी आपकी जो सोच है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमेशा से बिहारियों को गाली लात मुक्का, कभी मणिपुर में, कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में, कभी कहीं पर, और हम बाहर जाते हैं तो मजदूरी के लायक भी नहीं रहते हैं, हम बाहर जाते हैं तो हमको एग्जामिनेशन में भी पीटा जाता है। हमारे लिए किसी भी स्टेट में 10-15% से ज़्यादा सीट नहीं है, हमारे लिए लगभग ऐसा स्टेट है जहाँ पूरा डोमिसाइल वहाँ पर दूसरा कोई नहीं जा सकता है। हम सौहार्द में, जाति धर्म मजहब में ऊपर उठ के राजनीति करें, हम संविधान के आधार पर ऊपर उठ के राजनीति करें, हम नफरत के आधार पर ख़त्म करके मोहब्बत की राजनीति करें, लेकिन जब हमारा घर खाली है, हमारे लोग भूखे हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी की दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है और देश में सबसे ज़्यादा युवा, यदि उम्र सबसे ज़्यादा युवा की उम्र कहीं है तो वो बिहार है, आप संख्या उठा के देख लीजिए।
एजुकेशन के हालात भी वही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो पहले ही जो सीटीएट बीटीएट में रिटर्न एग्जामिनेशन की बात आई, यह प्रक्रिया ही गलत। बीच में कोई भी कैबिनेट डिसीजन या कानून बनाना या कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि आपको इतने दिनों के बाद क्या जरूरत पड़ी, क्या इसमें ढालमेल है, क्या इसमें माफियाओं के साथ भागीदारी और साझेदारी है पदाधिकारियों की जो हमारी सरकार को भेज रखी हुई है। एक तो पहले ही हमने गलत कर दिया है, और मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि अभी सीटीएट बीटीएट भी एग्जामिनेशन से ही हुआ है और उसको आप पॉलिसी मेक में हाईकोर्ट को दिए हैं, तो अभी ना तो उनके एग्जामिनेशन लेने की कोई नीड्स थी जिसको आप 10-20 सालों से खटा रहे हैं, और न ही नए 4 सालों के बाद आप लगातार जिसको आप सीटीएट बीटीएट में ला करके आज देंगे अब नई पॉलिसी ले आए। तो ये तंग करने के अलावा दूसरा क्या रास्ता है, और लगभग लोगों की उम्र खत्म हो जाएगी, फिर वो कहाँ जाएंगे। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था, स्टूडेंट के साथ हैं, अभ्यर्थियों के साथ, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना। सबसे बड़ी बात, पहले तो मैं एक बात पर बहुत क्लियर हूं कि 5 तारीख को हम लोग पूरे बिहार में डोमिसाइल मुद्दा पर पुनर्विचार किया जाए, सरकार हमारे बिहार की बात सुने, इसके लिए हम हर जिले में धरना दें। क्या डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग करेंगे जी? डोमिसाइल नीति लागू, बिल्कुल उसमें कोई बहस नहीं। लेकिन आप तो कह रहे 10% बारी को, सर मैंने कहा यदि हमको मौसी और माँ और वसुधैव कुटुंबकम और बिहार का हृदय बढ़ा रहा है तो हमें 10% चीज़ों में रास्ता खोल के ही हमको रखना पड़ेगा। सर मैंने पहले कहा कि मेरा मुद्दा है डोमिसाइल का, लेकिन यदि बिहार के परिप्रेक्ष्य जो ब्रॉड रहे हैं उसमें यदि 10% लोगों की गुंजाइश किसी अन्य विभाग में हो तो आप लाइए, लेकिन शिक्षक के विभाग में पूर्ण डोमिसाइल चाहिए। तो आपने सुन लिया कि पप्पू यादव शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आ गए हैं, डोमिसाइल के बारे में बात करें, और बड़ी बात ये कहे हैं कि पहले बिहारियों के बारे में सोचें, यहाँ की नौकरियों के बारे में सोचें, उसके बाद किसी को बाहर से लाइए, पहले बिहार है यहाँ के बच्चों को सोचिए। तभी देखिए आप भी जान रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, और लाठी खाते वक्त सब लोग ने उनको देखा और पप्पू यादव ने साथ दे दिया, समर्थन दे दिया शिक्षक अभ्यर्थियों का। अब सरकार से लड़ेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें, धन्यवाद।